नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट आकाश में। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो फेसबुक चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आज फेसबुक की कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपनी फेसबुक को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं कि वो फेसबुक की सीक्रेट सेटिंग कौन सी हैं जो कि हर फेसबुक यूज़र को सेट करनी चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फेसबुक एप्लीकेशन में, उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में सिंपली हमारे सामने कुछ टूल्स खुल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको प्रेस करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर। जैसे इस पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है और आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसी इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद में आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग दिखाई दे रही होगी, टाइमलाइन एंड टैगिंग। सबसे ज़्यादा यूज़र जो होते हैं वो इसी से परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक फ्रेंड्स, वो अपने फ़ोटो को हमारी आईडी पे टैग कर देते हैं और वो हमारी आईडी पे आ जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत परेशानी होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। अगर उनके फ़ोटो पे कोई कमेंट करता है तो सीधा वो हमारे फेसबुक एप्लीकेशन में इसका नोटिफिकेशन आता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और वो अच्छा भी नहीं रहता है। दूसरे की आईडी पे खुद का फ़ोटो टैग हो जाता है। तो आज मैं बताऊँगा कि जैसे दूसरे आपकी फेसबुक आईडी पे फ़ोटो टैग कर देते हैं तो उस टैग नोटिफिकेशन को बंद कैसे करें। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, व्हेन योर टैगड ए पोस्ट हु डोंट वांट टू ऐड द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस की जो फ़ोटो टैग करवाना आप अपनी आईडी पे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे, एक फ्रेंड्स का, एक ओनली मी का। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले का मतलब है ओनली मी की सिर्फ अपनी आईडी पर फ़ोटो अपलोड मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स का मतलब है कि आपकी आईडी पर फ्रेंड्स टैग कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। जैसे नीचे चेंज करते हैं तो अब इससे होगा क्या, जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो अब हमारी आईडी पर अपना फ़ोटो टैग नहीं कर पाएंगे। क्या दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। तो चलिए चलते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ और बताते हैं वो क्या है। तो आपको सिंपली ऊपर दिखाई दे रहा होगा टाइमलाइन। तो जैसे टाइमलाइन में अपनी जो फेसबुक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फेसबुक एप्लीकेशन पे भेज दी जाती है, जिसका नोटिफिकेशन हमें मिलता है टाइमलाइन का। तो सिंपली आपको इस पर बंद करना है। तो एक दिख रहा होगा हु कैन पोस्ट योर टाइमलाइन, इसका मतलब है कौन कौन आपकी फेसबुक आईडी पर अपनी टाइमलाइन पोस्ट कर सकता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में और इसको भी सिंपली ओनली मी करना है। तो सिंपली यहाँ पे ओनली मी कर देते हैं। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, जो आपकी फेसबुक आईडी पे कोई बंदा अपनी फेसबुक आईडी की इन्फॉर्मेशन टाइमलाइन सेंड करेगा और आपको टैग करेगा तो वो टैग नहीं हो पाएगी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो चल रहे हैं तीसरी सेटिंग की तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा रिव्यू, जैसे कि एप्लीकेशन का हमारे फेसबुक रिव्यू हो जाता है, जो हमारे वीडियोस वगैरह हमारे फ़ोटो को बन के आ जाते हैं और वो शेयर हो जाते हैं, अपने आप फ्रेंड्सों के पास पहुंच जाते हैं। तो हम आज करने जाए तो जैसे हमारे फ़ोटो को वीडियो ना बने और लोगों तक ना पहुंचे, जो हमारे पुराने फ़ोटो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं रिव्यू होने के बाद में। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको टाइमलाइन रिव्यू को बंद करने देना है। इसको बंद करने के बाद में आपका कोई भी वीडियो नहीं बनेगा और लोगों के थ्रू आपके थ्रू लोगों के पास नहीं पहुँच पाएगा। तो आज की कुछ फेसबुक सीक्रेट सेटिंग ये थी। तो अब अगली वीडियो में मैं फेसबुक की कुछ और सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिनसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक अकाउंट का वीआईपी अकाउंट कैसे बनाएं, जिससे कि आपका कमेंट और फेसबुक प्रोफेशनल तरीके से चल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।